क्या व्हाट्सएप इंडिया से एग्जिट लेने वाला है, ऐसी खबरें अभी कुछ समय से चल रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट का जो रूल है उसको फोर्सफुली कंप्लाई करने के लिए कहा गया व्हाट्सएप से, तो कंपनी को कुछ और नहीं करना पड़ेगा और सीधा इंडिया से एग्जिट लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अगर फोर्सफुली व्हाट्सएप से इनक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप इंडिया से एग्जिट ले सकता है। अब ये क्या मामला है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आईटी रूल जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2021 में, तो उससे व्हाट्सएप जैसी तमाम जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उन्हें कंप्लाई करने के लिए कहा गया था। और जो व्हाट्सएप का जो विवाद चल रहा है, व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट जो चल रहा है, वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि सरकार ने कहा था कि किसी भी मैसेज का सोर्स जो है वो गवर्नमेंट को रिवील करना पड़ सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। बट व्हाट्सएप का कहना है कि किसी भी व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे किया गया कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी कीमत पर रिवील नहीं किया जा सकता है बिकॉज इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगी हुई होती है। तो व्हाट्सएप ने ये क्लियर कट कहा है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कहा जाता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप किसी भी कीमत पर सोर्स जो मैसेज का है, किसी एक कम्युनिकेशन का है, उसे रिवील करें, तो ना चाहते हुए भी इंडिया से व्हाट्सएप को एग्जिट लेना पड़ेगा। हालांकि ये अभी कोर्ट में बात कही गई है। व्हाट्सएप इसके पूरी तरह से अगेंस्ट में है कि कंपनी गवर्नमेंट को या फिर किसी भी एजेंसी को ये बताए कि सोर्स क्या है। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है इसके बारे में बताऊं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो कि व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल सिग्नल काफ़ी पहले से दे रहा है। तो इस इंक्रिप्शन में होता यह है कि सेंडर और रिसीवर के अलावा दूसरी कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी कंपनी किसी भी मैसेज को डिकोड नहीं कर सकती है। इनफैक्ट व्हाट्सएप ही, अगर व्हाट्सएप पे ही आप एक किसी और से बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप को भी ये राइट नहीं है कि आपके कम्युनिकेशन को रिट्रीव कर सके या फिर जो सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है उसे इंटरसेप्ट कर पाए। इनफैक्ट व्हाट्सएप ये दावा करता है कि एक दूसरे से जब दो लोग बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे या फिर व्हाट्सएप कॉल पे, तो उसकी जो डिटेल्स होती हैं, उसका जो इंक्रिप्शन होता है, इतना मजबूत होता है कि खुद कंपनी के पास भी उसका डेटा नहीं होता है। इसी वजह से कंपनी का मानना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दो, मतलब व्हाट्सएप से ये कहा जाता है कि अपने प्लेटफॉर्म से एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दिया जाए, तो कंपनी इंडिया से एग्जिट ले सकती है। क्योंकि कंपनी ने यह भी कह दिया है कि ये जो आईटी रूल में कहा गया है कि आपको मैसेज का सोर्स को रिवील करना पड़ेगा, तो वो उसी केस में हो सकता है जब इससे एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दिया जाए। क्योंकि मेटा जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है उसने कहा है कि अगर जब तक इस प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तब तक ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा जा सकता जिससे ये भी पता चल जाए कि किसी मैसेज का सोर्स क्या है। तो अभी फिलहाल मामला कोर्ट में है। व्हाट्सएप ने मतलब इसके अगेंस्ट में जो आईटी रूल है उसमें और सारी चीज़ों में व्हाट्सएप ने कंप्लाई किया है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो चीज़ है कि मैसेज का सोर्स रिवील करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा है आईटी रूल के को कंप्लाई करने के लिए, इसके अगेंस्ट है। अब आने वाले समय में सरकार का क्या टेक होता है, व्हाट्सएप का क्या टेक होता है, व्हाट्सएप कंप्लाई करता है या नहीं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या होता है, फिलहाल क्लियर नहीं है। बट व्हाट्सएप ने आज कम से कम ये क्लियर कर दिया है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो व्हाट्सएप इंडिया से एग्जिट ले लेगा।